वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड 3 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड उसके कुछ की फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपका प्लान है कि वन प्लस नॉर्ड 3 लेने के लिए तो मे भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में, 10 फीचर्स के बारे में जो मे भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो मे भी आप इस फ़ोन को लेने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा और भी क्लियर आपको करने के लिए। देखिए वन प्लस नॉर्ड 3 अगर आप लेना चाहते हो तो उस बजट में पहले सर्च करो कि आपको और कोई दूसरा फ़ोन है। उस वन प्लस नॉर्ड 3 अगर आप एक 6 GB या 8 GB रैम का लेना चाहते हो उस प्राइस में, तो आप मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा कुछ दूसरे फ़ोन को आप सर्च कीजिए। मे भी आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है आपके लिए यहाँ पे 100% प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको रिसेंटली कुछ वन प्लस फ़ोन के बारे में बता रहा हूँ। वन प्लस अभी मार्केट में डाउन है। वन प्लस का जो सेलिंग अगर आप ग्राफ चेक करोगे तो काफ़ी नीचे गिर चुका है, क्योंकि वन प्लस का सबसे डीमेरिट है डिस्प्ले। उसका डिस्प्ले कभी भी आपका ख़राब हो सकता है, लाइक सैमसंग डिस्प्ले एंड वन प्लस डिस्प्ले विदाउट रीजन कभी भी यहाँ पे डैमेज हो सकता है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे कैमरे के बारे में एंड वन प्लस नॉट 3 कैमरा फुल्ली डिससेटिस्फेक्शन। बिकॉज देखिए यहाँ पे वन प्लस का एक मेजर प्रॉब्लम है, आप जब शूट करते हो माना कैमरे से जो फोटो शूट करते हो तो उस टाइम में आपको फ़ोटो काफ़ी ग्लोरियस लगता है, काफ़ी शाइनिंग लगता है, बट आप जब गैलरी में जाके देखते हो फोटो का पूरा डैमेज हो जाता है। इसका रीज़न क्या है मुझे भी नहीं मालूम एंड उसी फ़ोटो को अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम या कहीं पे अपलोड करते हो तो वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ पुराना फ़ोन में ये फ़ोटो क्लिक हुआ है। ये एक सबसे घटिया चीज़ है वन प्लस का एंड वन प्लस का और एक मेजर है कि उसका जो भी अगर आप एक चार्ज लेना चाहते हो या ईयरफोन लेना चाहते हो तो उसी ब्रांड का ही आपको ही लेना पड़ेगा। अगर दूसरे लेते हो तो मैं भी सपोर्ट कभी कभी करता नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है आपका ये एक फुली लॉस होगा अगर आप वन प्लस नॉट लेते हो। मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा अगर आप उस प्राइस में कुछ और दूसरा फ़ोन लेते हो, आई थिंक आपके लिए बेस्ट होगा। कैमरा आई थिंक बेस्ट होगा किसी दूसरे फ़ोन लेते हो या वीडियो वगैरह करने के लिए फ़ोन लेते हो, तो मैं हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ वन प्लस कभी भी बाय मत करो। मे भी आप बाद में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ।